जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों। अभी जो आप ये देख रहे हैं ये एक न्यू रोटर है जो कि हमने खरीद करके लाए हुए हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल नया रोटर। ये कौन सी मोटर का है तो सारा कोई डिटेल जानकारी आगे देखेंगे, तो आइए चलिए देखते हैं। तो जैसे कि साथियों आप देख रहे हैं कि ये रोटर ब्रश था, एक किर्लोस्कर KTS 213 मॉडल है और साथियों 12 का ये रोटर है, यानी कि 12 और 13 दोनों एक ही होता है, रोटर में कोई अंतर नहीं है जरा सा भी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि रोटर फॉल्ट होने के कारण ये नया रोटर हम अभी लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आपके सामने में हमने पन्नी से पैक किर्लोस्कर कंपनी का ये रोटर जो हम लगाए हैं। अगर आप लोगों को ये रोटर नहीं मिल रहा हो तो आप हमें कमेंट कीजिए ये रोटर कहाँ मिलेगा, आपको हम इनका पूरा डिटेल जानकारी दे देंगे। तो साथियों अगर आपका रोटर फट जाता है, जिस तरह से ये फटा हुआ है आप देख सकते हैं, तो उस मोटर को बिना रोटर बदले मत लगाइए। साथ में अगर वायरिंग सही भी है तो प्रयास कीजिए कि वायरिंग भी हम नया ठोक दें। आप देखिए कि हमने SCH का दोनों वायरिंग नया लगा चुके हैं। अब साथियों इस मोटर की आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये रिवाइंडिंग करके रखा हुआ है, तो इसको हम इसके अंदर डालेंगे। तो उससे पहले साथियों इसका ये एम्पेलर होता है, एम्पेलर भी ओरिजिनल मिल जाता है, लेकिन इसका एम्पेलर सही है तो यही एम्पेलर हम इसके अंदर डालेंगे। आप देख सकते हैं कि वाटर सील वगैरह हम डाल चुके हैं। तो अभी आप देखें कि हमने आपको दिखाएं कि रोटर अगर फट जाता है तो रोटर कहाँ मिलता है। अगर साथियों किसी भी मोटर की रिवाइंडिंग डेटा देखना हो तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मोटर का वर्क चलता है जैसे कि आपको पता ही है। तो आइए साथियों अब हम इसमें फिट करेंगे। फिर देखिए अगर आप नया रोटर डाल दिएगा तो इसका एम्पियर एक्यूरेट कंपनी का हो जाएगा, क्योंकि साथियों अगर रोटर आपका नया लग जाता है तो मोटर ही नया हो जाता है, क्योंकि मोटर के अंदर रहता कुछ नहीं है। आप कॉइल डालिए, रोटर लगाइए, बाद बाकी सब कुछ तो मिल ही जाता है। तो आप अभी देख रहे हैं कि हम रोटर चेंज किए हैं साथियों। एक्चुअली है क्या, मेरे यहाँ थोड़ा काम का लोडिंग ज़्यादा है इसलिए हम वीडियो आप लोगों को नहीं दिखा सकते हैं। फिर भी अगर साथियों किसी भी कंपनी की मोटर की रिवाइंडिंग डाटा देखना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। विशेष साथियों इस मोटर को हम सेट करेंगे और फिर चला करके दिखाएंगे इसी वीडियो में, और साथ में एम्पियर भी इंक्रीज करके दिखला देंगे कि कितना आता है। तो चलिए अब सबसे पहले इसको हम सेट करते हैं। इसका ये वाटर पम्प है, फिर जा करके हम एम्पियर वगैरह चेक करके आपको दिखाएंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए साथियों ये वही मोटर है जिसका हमने रोटर बदले हैं, तो इसको अभी हम इसके अंदर जो है ये सबको ठोक करके बैठा रहे हैं पत्ती को, ताकि अंदर में पत्ती का रोटर से कोई संपर्क ना हो सके। ये काम आप लोगों को भी करना होता है, यही सबसे मेन फिनिशिंग का काम होता है। अगर आप इसका ये बाहर रह जाएगा तो रोटर के रगर के कारण ये फट जाएगा, तो करंट आने का चांस रहता है, और करंट आने का क्या, करंट आ ही जाता है। तो चलिए पहले इसको हम ठोक ठोक करके एकदम हर एक 2400 स्लॉट को बैठा लेंगे। ये साथियों किर्लोस्कर का KTS 213 है जिसका कि गल गया था, रोटर भी फट गया था और मोटर शॉर्ट होने के कारण भयंकर रूप से इसमें आग लग चुका था। जैसे साथियों आजकल आप हमको टकला देख रहे हैं, लेकिन कुछ फंक्शन था, किसी का ध्यान तो गया था इसलिए हम लोग टकला हो चुके हैं। तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा जो आप टकला कहे हैं, ये तो सबको होना ही होता है जो हिंदू धर्म का मेन है। तो चलिए इसको हम पहले ठोकते हैं। साथियों आजकल आपको हम YouTube पे ज़्यादा समय इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी वर्क है मोटर का और टाइम नहीं मिल पाता है, रात रात जग के बनाना पड़ता है। फिर भी अगर आप लोगों को किसी भी मोटर की डाटा चाहिए तो बताइएगा, उसे एक मोटर का डाटा हम आपको देंगे जो कि बिल्कुल न्यू है। वह साथियों इसके दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और देख लीजिएगा। तो देखिए साथियों ये वही मोटर है जिसका हमने रोटर अभी लगा करके आपको दिखाए हुए हैं। अब देखिए फिलहाल हम इसमें अभी इस तरह से कनेक्शन किए हुए हैं और आपको अब चला करके दिखाते हैं कि नया रोटर वाले मोटर किस तरह से चलता है। तो आप मोटर पे फोकस कीजिए और देखिए मोटर बिल्कुल चल रहा है, प्ले है, आप देख सकते हैं।
और ज़रा सा अभी आवाज़ वगैरह नहीं दे रहा है, तो अब इसका हम एम्पियर चेक करेंगे। तो देखिए एम्पियर मीटर है मेरे पास, इसमें लगाते हैं और आप देख सकते हैं एक फेज में इतना है और एक फेज में इतना है, तो आप देख लिए। और साथियों इसका रोटर जो हम नया लगाए थे वही नया वाला रोटर है, आपको इधर से साफ भी दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल न्यू है। और आगे आप देख सकते हैं और मोटर देख के चल रहा है, ज़रा सा भी ओवर हीट वगैरह नहीं हो रहा है। तो साथियों इस मोटर की अगर पूरी डेटा देखना हो, अभी तो साथियों हमने नया रोटर लगा करके आपको मोटर दिखाए हैं, अगर इस मोटर की डेटा चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि साथियों आपको पता है कि मेरे चैनल पे आपको मोटर की डाटा वगैरह देखने को मिलता है, तो अभी हमने आपको इस मोटर की शाफ्ट चेंज करके दिखाया हूँ और साथ में आप देख सकते हैं प्ले करके भी चला करके भी दिखाया हूँ, देख लीजिए कितना शानदार ये चल रहा है। तो साथियों अगर आपको किसी भी मोटर की वाइंडिंग डेटा वगैरह देखना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो साथियों अगर किसी भी मोटर की रिवाइंडिंग डेटा वगैरह आपको देखना हो तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको हर एक मोटर की रिवाइंडिंग वगैरह कर करके दिखलाया जाता है, साथ में रिवाइंडिंग डेटा वगैरह भी शेयर किया जाता है। साथियों देखिए होता क्या है कि आजकल थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा हो चुका है, तो इसलिए हम वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं, फिर भी कोशिश रहता है कि बीच बीच में आपके सामने हम वीडियो शूट करके आप लोगों तक सही जानकारी बतला सकें। तो आज साथियों हमने नया रोटर डाल रहे थे तो इसका वीडियो हम आप लोगों को पहुंचाए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर भी करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू। ये डबल फेस की मोटर है साथियों।